बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया। गोवा पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 42 साल की सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि सोनाली फोगाट की बहन ने उनकी मौत को साजिश करार दिया है। सोनाली फोगाट की बहन ने बताया कि सोनाली फोगाट ने सोमवार सुबह को मां से बात की थी। इस दौरान सोनाली ने अपनी मां से कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई साजिश हो रही है। सोनाली की बहन ने बताया कि एक दिन पहले ही उनकी बात हुई थी। इस दौरान सोनाली फोगाट ने कहा था कि वे ठीक हैं, शूटिंग के लिए जा रही हैं। उन्होंने बताया था कि वे 27 तारीख को लौटकर आ जाएंगी। उन्होंने कहा, फिर सोमवार सुबह बात हुई तो उन्होंने मां से बात की। इस दौरान सोनाली ने अपनी मां को बताया कि खाना खाने के बाद उनके शरीर में कुछ हरकत सी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि खाने में कुछ गड़बड़ की गई है, शायद कोई साजिश रच रहा है। समाचार एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि सोनाली फोगाट को बेचैनी की शिकायत के बाद उत्तरी गोवा जिले के अंजुना के सेंट एंथनी अस्पताल में लाया गया था। गोवा डीजीपी जसपाल सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है कि फोगाट अंजुना में कर्लीज रेस्टोरेंट में थीं। इसी दौरान उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई, इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मामले में कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि सोनाली फोगाट के शरीर पर किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं मिला है। उन्होंने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का पता चल जाएगा। वहीं डिप्टी एसपी जीवबा दालवी ने बताया कि उन्हें अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। उन्होंने कहा, शुरुआती जांच में उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक नजर आ रही है।